हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में हम करेंगे अध्याय नंबर 1 कक्षा 11। कक्षा 11 से अध्याय 1 समुच्चय। इस वीडियो में हम जानेंगे समुच्चय के बारे में, समुच्चय क्या होता है और किस तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं समुच्चय की। समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। जब हम किसी वस्तुओं को जिसको हम परिभाषित कर सकें उनको एक स्थान पर रख देते हैं, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, तब उनको हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बताया गया है 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं अर्थात 1, 3, 5, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया 1, 3, 5। जैसे कि भारत की नदियां, इनको भी परिभाषित कर सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द जैसे कि AEIO, इनको भी हम परिभाषित कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, ये सभी के सभी क्या है? एक तरह का समुच्चय है, एक तरह का समूह है। तो और ये समूह वो है जिनको हम परिभाषित भी कर सकते हैं। जैसे कि कुछ हम समूहों को गणित में प्रयोग करते हैं, जैसे कि नीचे दिखाया गया है आपको, एन जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। जेड को हम पूर्णांकों का समुच्चय से प्रदर्शित करते हैं और क्यू को परिमेय संख्याओं से, आर को वास्तविक संख्या, जेड को धन पूर्णांक, क्यू को धन परिमेय संख्या का समुच्चय और आर प्लस को धन वास्तविक संख्या का समुच्चय। ये सभी के सभी अक्षर जो हमारे परिभाषित शब्द हैं जिनको हम अपने गणित में प्रयोग करते हैं। आइए अब जानते हैं कि समुच्चय और उसका निरूपण हम किस तरीके से कर सकते हैं। समुच्चय का निरूपण हम दो विधि से कर सकते हैं। पहली है आपकी रोस्टर या सारणीबद्ध रूप और दूसरी है आपकी समुच्चय या फिर निर्माण रूप। पहले बात करते हैं रोस्टर रूप की। ये रोस्टर रूप क्या होता है? रोस्टर रूप में समुच्चय के विभिन्न अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है, ठीक है, उनको एक सूची में रखा जाता है तथा एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है। अर्धविराम मतलब कि कोमा से उसको हम अलग करते हैं, ये कोमा का निशान है, इससे अलग करते हैं। उन सभी को एक मंझले कोष्टक के भीतर लिखते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम कहें 7 से कम सभी सम धन पूर्णांकों के समुच्चय का वर्णन, 7 से कम सभी सम धन पूर्णांक। तो अगर हम इसे 7 से कम का लिखें तो कैसे लिखेंगे बच्चों? उसका 7 से कम सभी सम, तो 7 से कम जो है सम हमारा 2 हो जाएगा, 4 और 6। देखिए 7 से कम सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा? 2, 4, 6 सम है और 7 से कम भी है, तो ये हमारा रोस्टर रूप हो जाता है। जैसे कि अगर हम दोबारा उदाहरण के अनुसार समझे, जैसे कि संख्या 42 है को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ऐसी संख्या है जो 42 को पूरा पूरा काट दे, 42 को पूरा पूरा भाग कर दे, उनका समुच्चय क्या होगा? तो आप देखिए 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42, इन सब से हम 42 को काट सकते हैं, तो ये इसका समुच्चय रूप हो जाएगा। देखिए इसके सभी, उसको हमने कोमा से अलग किया है और मझले कोष्टक में बंद किया है। मझला कोष्टक बच्चों इसको बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, अगर हम उसको लिखेंगे तो AEIOU, और इनको देखो हमने अर्धविराम से पृथक कर दिया है। दूसरी खास बात हमें यह भी ध्यान रखना है, जब हम समुच्चय को लिख रहे हो तो समुच्चय के लिखते हुए कोई अक्षर जो है दो बार नहीं लिखा जाता। जैसे अगर हम स्कूल में स्कूल के आने वाले शब्दों का समुच्चय लिखें, स्कूल में प्रयुक्त होने वाले वर्णों का समुच्चय हम लिखें, तो यहाँ पे SCH और जो O यहाँ पे दो बार है, जब हम इसको समुच्चय में लिखेंगे तब ये दो बार नहीं आएगा, केवल एक ही बार आएगा। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि एप्पल शब्द के अक्षरों का समुच्चय लिखो, तो अगर आपको इसको समुच्चय में लिखना होगा तो समुच्चय में आप लिखोगे A.P.L और .E, क्योंकि हम समुच्चय के अंदर किसी भी संख्या को दो बार नहीं लिखते। अब बात करते हैं दूसरा समुच्चय के निर्माण रूप में। दूसरी जो विधि थी वो समुच्चय के निर्माण रूप में किस तरीके से लिखते हैं। इसमें क्या होता है, जो उसके अवयव होते हैं समुच्चय के, उनके अंदर कोई एक विशेष गुण होता है जिसके अनुसार वो समुच्चय बन रहा होता है, और उसके बाहर गुण के कोई भी अवयव नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें समुच्चय EEIOU, तो मैं इस बात को इसके गुण के अनुसार लिख सकता हूं। क्या गुण है इसमें? कि ये जो सारे के सारे आपके अक्षर हैं, ये अंग्रेजी के वर्णमाला में स्वर का रूप लेते हैं। तो अब मैं इस समुच्चय को लिखूंगा ऐसे, समुच्चय को हम प्रदर्शित करते हैं किसी भी इंग्रेजी के बड़े अक्षर से, तो X डॉट X
अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, जहां पे एक्स क्या है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये जो हमने तरीका लिखा इसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय का निर्माण रूप कहते हैं। जैसे कि अगले उदाहरण में आप देख सकते हो, ये आपका दिया है एक बटा दो, दो बटा तीन, तीन बटा चार, चार बटे पांच, पांच बटे छह, छह बटे सात। अब यहाँ पे हमें देखना है इसके अंदर गुण क्या है, तो आप इसका गुण क्या है देखिए, जो भी यहाँ पे अंश होगा हर उससे एक ज्यादा लिखा हुआ है। जो भी अंश है, अगर अंश एक है तो हर दो है, अंश अगर चार है तो हर पांच है, अंश अगर छह है तो हर सात है। इस तरीके से हम इसको एक सूत्र में पिरो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा n बटे n प्लस वन का रूप हो गया। जहां पे n की बात कही, n हमारा एक से शुरू होता है और कहां तक, छह तक चलता है। जहां पे हमारा n जो है एक के बराबर या एक से बड़ा हो सकता है और छह के बराबर या फिर छह से छोटा हो सकता है, उसके अनुसार हम n को लिखेंगे n बटे n प्लस वन। अगर आप इसमें मान रख के देखोगे तो एक ऊपर रखोगे तो नीचे एक प्लस एक हो जाएगा, जो कि एक बटा दो होगा। ऐसे अगर एन की जगह आप दो रख दोगे तो दो प्लस एक बराबर कितना, दो बटा तीन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिफाइन कर देंगे कि एन जो है वो हमारा एक हो सकता है या एक से बड़ा, लेकिन छह के बराबर और छह से छोटा ही रहेगा, तो इसके अनुसार ये जो हमने रखा है इसी को हम निर्माण रूप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, एक तरफ आपका रोस्टर रूप में लिखा है और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप में। अगर हम इसे मिलान करें तो ये प्रिंसिपल शब्द है PRINCL, लेकिन ये किसका है, प्रिंसिपल शब्द का है। क्यों है भाई प्रिंसिपल शब्द का, क्योंकि यहाँ पे देखो P भी है, R भी है, I है, N है, C है, A है, L है। और मैंने बताया था कि जब हम रोस्टर रूप में लिखते हैं किसी को भी, इस रोस्टर रूप में लिखते हैं, तब किसी संख्या को या किसी भी नंबर को या किसी भी अक्षर को, अल्फाबेट को दो बार नहीं लिखते, तो इसके सारे अल्फाबेट इसके अंदर है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है। अगला है जीरो। जीरो क्या है, जीरो बराबर क्या है, तो जीरो बराबर देखिए, आप अगर यहाँ पे जीरो रख दोगे एक्स की जगह, जीरो प्लस वन बराबर वन, तो ये इसका एक मान हो जाएगा। एक दो तीन छह नौ और अट्ठारह, ये क्या है, ये सभी के सभी अट्ठारह के भाजक हैं। देखो एक से भी अट्ठारह भाग हो जाएगा, दो से भी अट्ठारह भाग हो जाएगा, तीन से भी, छह तीन अट्ठारह, नौ दिन अठारह, अट्ठारह कम अट्ठारह, तीन माइनस तीन आखिरी बच्चा, ये हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है। अगर आप इसको हल करोगे तो इसमें इसके मूल आ जाएंगे तीन और माइनस तीन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, समुच्चय का एक तरीके से आप ये सोच सकते हो कि ये समुच्चय का आपका इंट्रोडक्शन हो गया है। दूसरा, मान लो हमारा कोई समुच्चय है ए, और ए के अंदर अवयव है हमारे एक कोमा दो कोमा तीन कोमा चार। ठीक है, अब हम किस तरीके से बताएंगे कि ये इसके अवयव है या नहीं, तो ए हम इस तरीके से लगाएंगे, अवयव एक, ए का एक अवयव एक है, ए का एक अवयव दो है, ए का एक अवयव तीन है। तो ये जो निशान होता है बीच वाला, ये हमें बताता है कि इसका अवयव है या नहीं है। अगर इसके साथ में लिखा है तो इसका मतलब है कि ये जो है इसका अवयव है, इस समुच्चय के अंदर एक जरूर होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या ए के अंदर जो है पांच है, तो हम इसको कहेंगे कि ए पांच जो है वो एक अवयव नहीं है, तो वहां पर हम जो एप्सिलॉन का साइन है इसको कट लगा देंगे और ये हमें बताएगा कि इसका अवयव नहीं है। ये हमारा था समुच्चय का इंट्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी अगली जो एक्सरसाइज होगी वो हम एक्सरसाइज 1.1 डालेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।